दो नावों की सवारी कभी भी अच्छी नहीं होती है। इस वक्त पाकिस्तान बुरी तरीके से घिर गया है। एक तरफ अमेरिका से घिर गया है तो दूसरी तरफ रूस से घिर गया है। मियां वली में जो हमला हुआ, उस हमले के बाद अमेरिका और पाकिस्तान में तनातनी शुरू हो गई है। और जहां अभी ये तनातनी हो ही रही थी कि यहां पर रूस ने मांग लिए हैं अपने इंजन वापस पाकिस्तान से। सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि मामला बड़ा गंभीर है। इस वक्त चक्कर घिन्नी बन गया है पाकिस्तान। जानेंगे क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ये आर्टिकल किसकी है? ये आर्टिकल है तब की जब ग्वादर पोर्ट पर लेकर गए थे पाकिस्तान में जो राजदूत हैं अमेरिका के, उन्हें, और ग्वादर पोर्ट की सैर कराई थी। तब ये कहा जाने लगा था कि पाकिस्तान ना अपना व्यू थोड़ा शिफ्ट कर रहा है, अमेरिका की तरफ डामाडोल हो रहा है। वैसे इमरान खान अमेरिका के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि नई सरकार जो आई है वो अमेरिका के इशारे पर आई है। खैर, यहाँ पर लगा था कि शायद अमेरिका के साथ बात बन जाए, क्योंकि IMF ने भी लोन देना शुरू कर दिया। IMF ने भी ग्रांट कर दिया कि चलो हम लोन आपको देंगे। पर चीजें वैसी नहीं दिख रही हैं जैसा हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे अफगान रिफ्यूजियों को पाकिस्तान निकाल रहा है। अक्टूबर 31 तक का डेट दिया था और उसके बाद से अफगानी लोगों को निकालना पाकिस्तान ने जारी रखा है। करीब 2.5 मिलियन अफगानी यहां से छोड़कर जा चुके हैं। और इस क्रम में तालिबान ने ये कहा भी है कि इस ठंड में जो आपने काम किया है ये काम गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सवाल होने लगे तो इस वक्त जो कार्यवाहक PM है कक्कर ने ये कहा है कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे हमले, बहुत सारे इलीगल चीज में अफगानी लोग शामिल रहते हैं, हम नहीं रख सकते हैं। कहा जा रहा है कि 2.5 लाख अफगानी यहाँ से निकल भी गए हैं। पर इसी क्रम में क्या हुआ, कुछ दिन पहले ही जो पाकिस्तान का एयरबेस है मियांवाली, उस पर हमला हुआ। और ये हमला पाकिस्तानी इतिहास में बहुत ही भयंकर हमला माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 14 एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है कि इसमें खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और 35 जवानों की कथित तौर पर मृत्यु हुई है। हालांकि पाकिस्तान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पर यहाँ पर मियांवाली पर जब हमला हुआ तो ये मामला बहुत आगे बढ़ने लगा और इस मामले को लेकर कुछ सवाल उठने लगे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जो अमेरिका के प्रवक्ता हैं वेदांत पटेल, उनसे सवाल किया गया कि मियांवाली बेस में जो हमला किया है हमलावरों ने, उसमें अमेरिकी हथियार थे, तो उस पर इन्होंने क्या जवाब दिया। इन्होंने जवाब दिया कि देखो, हमने कोई भी हथियार अफगानिस्तान में छोड़ा ओड़ा नहीं है। स्क्रीन पर आप कटिंग देखिए कि मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई इक्विपमेंट्स अमेरिकन फोर्स द्वारा नहीं छोड़ा गया है विड्रॉल के समय। उन्होंने कहा कि हमारी और पाकिस्तान की बड़े समय से एक जुगलबंदी रही है और हमने अच्छा खासा इन्हें पैसा भी दिया है। हालांकि अब मिलिट्री ग्रांट हमने देना बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। हम लोगों के बीच 40 साल का दोस्ती है और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत सारे क्षेत्र में हम मिलकर काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर इस कटिंग को आप देख सकते हैं जो दिया गया अमेरिका के प्रवक्ता द्वारा। रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मियांवाली एयरबेस पर जो हमले हुए उसमें अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। अब यहाँ पर वेदांत पटेल ने ये स्पीच दे दी। इस स्पीच के बाद बवाल नहीं उठता और अमेरिका तक ये बात नहीं आती अगर यहाँ पर कक्कर चुप रह जाते तो। लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कक्कर ने यहाँ बयान दिया और कक्कर ने बयान देकर क्या कहा कि अमेरिका के द्वारा छोड़े गए अफगानिस्तान में हथियारों का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। टेलीग्राफ इंडिया की ये रिपोर्ट है
और इस रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर अफगानिस्तान में छोड़ा गया है उसी हथियार का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी जगहों पर गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं और अमेरिका के हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जियो न्यूज की ये रिपोर्ट है। खैर, ये तो बात हो गई कि सीधे सीधे अमेरिका से पंगे ले लेना। क्या इतनी हिम्मत जुटा पा रहा है पाकिस्तान? फिलहाल तो कक्कर ने ये बयान दे दिया है। अब इस बयान के पीछे की कहानी भी थोड़ा समझिए। हाल फिलहाल में कक्कर कहाँ से घूम के आए हैं? कक्कर घूम के आए हैं अपने आयरन बिरादर के घर से, यानी चाइना से। चाइना में उनकी मुलाकात किससे हुई? राष्ट्रपति पुतिन से हुई। कथित तौर पर द्विपक्षीय बातचीत भी हुई राष्ट्रपति पुतिन के साथ। अब स्क्रीन पर मिंट की एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को $600 मिलियन लोन चाहिए और इस लोन के लिए पाकिस्तान दो चाइनीज बैंकों के पास गया है कि आप हमें लोन दे दीजिए। मतलब कभी इधर कभी उधर, दोनों नावों में ये सवारी कर रहा है पाकिस्तान। अब इसका असर भी सुन लीजिए। यहाँ पर $600 मिलियन क्यों मांग रहा है? क्योंकि IMF से अगला पैसा आने में बहुत दिक्कत है। IMF चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। केयर टेकर PM के बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहने पर IMF अगली किस्त जारी नहीं भी कर सकता है और यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। तो पाकिस्तान पहुँचा चाइना के पास, चाइना के बैंकों से कह रहा है कि आप हमें पैसे दे दो। अब चाइना अगर पैसे देगा तो कुछ न कुछ तो वापस जरूर लेगा। इसी बीच स्क्रीन पर एक खबर देखिए। रूस ने पाकिस्तान से कहा है हेलीकॉप्टर वाले इंजन हमें वापस करो। अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो गया है। आपको बता दें, अभी तक हमने यही चीज सुना था कि लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान, पर इधर कुछ दिनों से पाकिस्तान और रूस के बीच दोस्ती भरे रिश्ते बढ़े हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनावरुल हक काकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ये कहा गया कि हम जो है इकोनॉमिक तौर पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, बहुत बड़े रूप में करेंगे। दोनों ही नेता पहुंचे थे चीन की राजधानी में BRI में हिस्सा लेने। रूस कभी भी पाकिस्तान का साझेदार देश नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स बदल रहे हैं ना, वैसे वैसे रूस भी बदल रहा है। एक बात तो है कि काकर ने पुतिन के सामने भी कटोरा फैला दिया और कहा कि आप हमारे यहाँ निवेश कीजिए। काकर ने पुतिन से कहा कि 240 मिलियन लोगों की आबादी है और हमारे यहाँ एनर्जी की कमी है, तेल गैस भेजा करो। अब आपको बता दें, स्क्रीन पर एक दूसरी आर्टिकल देख सकते हैं। पाकिस्तान और रूस ने डिस्कस किया, हम अलग अलग क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर रूस ने मांग लिया है सारे इंजन वापस करो। अब क्यों मांग लिया है, इसके पीछे भी कारण समझिए। पिछले 624 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जंग लंबा खींचने के कारण रूस अब मुश्किल स्थिति में आ गया है। इसने अपने सैन्य हथियारों को फिर से हासिल करने की कोशिश में पूर्व रक्षा सहयोगियों की ओर रुख करना शुरू किया है। इस कड़ी में मॉस्को ने विशेष रूप से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कई सालों से सैन्य उपकरण खरीदता रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार रूस ने इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर इंजन वापस करने को कहा है। ये MI-35M हेलीकॉप्टर के आवश्यक हिस्से हैं, जिसका यूक्रेन में व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया है कि रूस ने कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया है। वैसे पाकिस्तान बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।